नमस्कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट में जिसका नाम है एक्सकॉन, और ये है चाइनीज कंपनी सैनी का स्टॉल, और ये है सैनी SAC 1600S ऑल टेरेन क्रेन। इसकी 160 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 73 मीटर बूम लेंथ है और 101 मीटर लिफ्टिंग हाइट है। 482 हॉर्स पावर है, 2200 Nm टॉर्क है, 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है और 1 का एवरेज मिलेगा। इस पूरे ट्रक की 15 मीटर लेंथ है और 4 मीटर हाइट है। 160 टन इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 73 मीटर बूम लेंथ है, और ये है सैनी STC 800 ट्रक क्रेन। 80 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 54 मीटर बूम लेंथ है, 370 हॉर्स पावर है, 1800 Nm टॉर्क है, 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है और 2 का एवरेज है। 80 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है इस क्रेन की, 370 हॉर्स पावर है। और ये है सैनी STC 200 C4 ट्रक क्रेन, 20 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है और 44 मीटर बूम लेंथ है। 400C रफ टेरेन क्रेन, 40 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 31.5 मीटर बूम लेंथ है और 47.4 मीटर लिफ्टिंग हाइट है। और ये है SCC 600 TB टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन, 60 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 46 मीटर बूम लेंथ है, इसमें Isuzu का इंजन है। क्रॉलर क्रेन है ये, और ये है SCC 450A6 क्रॉलर क्रेन, 45 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है और 40 मीटर बूम लेंथ है। और ये है SR-125 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 1500 mm पाइल डायमीटर है, 45 मीटर पाइल डेप्थ है और 37 टन ऑपरेटिंग वेट है। टन की क्रेन है ये, और ये है SSP-90C6 रोड पेवर, इसकी 900 टन पर आर पेविंग कैपेसिटी है, हाइड्रोलिक एक्सटेंडेबल 9 मीटर पेविंग विड्थ है, 214 हॉर्स पावर है और 50 सेंटीमीटर पेविंग थिकनेस है। और ये है SCP-320C1 32 टन फोर्कलिफ्ट, इसमें वोल्वो डीजल इंजन है, 248 हॉर्स पावर है और 5 मीटर लिफ्ट हाइट है। 32 टन का फोर्कलिफ्ट है ये, नया लॉन्च मॉडल है। और ये है SRS-C45V रीच स्टैकर, 45 टन लोडिंग कैपेसिटी है, 6 मीटर व्हील बेस है, 15 मीटर लिफ्टिंग हाइट है और इसमें डाना का ट्रांसमिशन है, कैसलर का ड्राइव एक्सल है और वोल्वो का इंजन है। और ये है SM-HW48 व्हील मटेरियल हैंडलर, 48 टन वेट है, 19.5 मीटर ऑपरेटिंग रेडियस है, 18 मीटर वर्किंग हाइट है, -9 मीटर वर्किंग डेप्थ है, इसमें Isuzu का इंजन है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी ट्रैवलिंग स्पीड है। और ये है SCM-1000C8 मिलिंग मशीन, 1 मीटर मिलिंग विड्थ है, 241 हॉर्स पावर है, 15.2 टन ऑपरेटिंग वेट है, 8 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल स्पीड है इसकी। और ये है SY-140C-9S क्रॉलर एस्केवेटर, 14 टन ऑपरेटिंग वेट है, 100 हॉर्स पावर है,
कमिंस का इंजन है इसमें, 4.6 मीटर बूम है, 2.1 मीटर आर्म है। और ये है SY-35U मिनी एस्केवेटर, लगभग 3800 kg ऑपरेटिंग वेट है, 28 हॉर्स पावर है। इसमें यानमार का 1600 cc इंजन है, 5.4 मीटर डिगिंग रीच है, 3.1 मीटर डिगिंग डेप्थ है। अटैचमेंट भी रखा गया है। और ये है SCC-2000A क्रॉलर क्रेन, 200 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 85 मीटर बूम लेंथ है, 8900 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर कमिंस का डीजल इंजन है, 324 हॉर्स पावर, 1385 Nm टॉर्क, 30% ग्रेडेबिलिटी है, 17.5 मीटर लेंथ है मशीन की, और इसमें 400 लीटर का फ्यूल टैंक है। बहुत ही एक्सट्रीम ऑपरेशंस के लिए इसे बनाया गया है, 200 टन की क्रेन है ये। थ्री 24 हॉर्स पावर है। न्यू लॉन्च मॉडल है ये। और ये है SH-500 हाइड्रोलिक ग्रैब, 80 मीटर ग्रूव डेप्थ है, 1200 mm ग्रूव विड्थ है, 130 टन ऑपरेटिंग वेट है इसका। और ये है SR-215 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 1.8 मीटर पाइल डायमीटर है, 64 मीटर पाइल डेप्थ है और 65 टन ऑपरेटिंग वेट है। और ये है SR-65 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 1.1 मीटर पाइल डायमीटर, 27 मीटर पाइल डेप्थ और 23 टन ऑपरेटिंग वेट। और ये STG-170C10 मोटर ग्रेडर, 17,250 kg ऑपरेटिंग वेट है, 173 हॉर्स पावर है, 880 Nm टॉर्क है और 12 फीट मोल्ड बोर्ड विड्थ है। और ये SMG-2000C8 ग्रेडर, 2,670 kg ऑपरेटिंग वेट, 253 हॉर्स पावर, 13.7 फीट मोल्ड बोर्ड विड्थ। और ये SY-3513PH एस्केवेटर, नया लॉन्च मॉडल है ये। और ये SY-215C9LC मीडियम हाइड्रोलिक क्रॉलर एस्केवेटर, 21 टन ऑपरेटिंग वेट, 140 हॉर्स पावर, इनलाइन 6 सिलेंडर कमिंस का इंजन, 5.7 मीटर बूम है, इसमें अटैचमेंट लगा हुआ है। और ये SY-215C9LC क्रॉलर एस्केवेटर ड्रिल अटैचमेंट के साथ, ये भी नया लॉन्च मॉडल है, 21 टन ऑपरेटिंग वेट है। और ये है SAC-3500S ऑल टेरेन क्रेन, 350 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 136 मीटर लिफ्टिंग हाइट है, 70 मीटर बूम लेंथ है, 49% ग्रेडेबिलिटी है, 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है, 100 टन काउंटर वेट है इसमें। बड़ी विंड टर्बाइंस खड़ी करने के लिए ये क्रेन डिज़ाइन की गई है। सैनी SAC-3500S ऑल टेरेन क्रेन। ये काउंटर वेट, और ये SY-580C-10HD क्रॉलर एस्केवेटर, 52 टन ऑपरेटिंग वेट, Isuzu का इंजन, 403 हॉर्स पावर, 7 मीटर बूम लेंथ। और ये SY-225C-10HD क्रॉलर एस्केवेटर, 22 टन ऑपरेटिंग वेट है, 158 हॉर्स पावर है, Mitsubishi का इंजन है। ये SY-260C क्रॉलर एस्केवेटर, 25 टन ऑपरेटिंग वेट है, 5.9 मीटर बूम लेंथ है। और ये SY-240C क्रॉलर एस्केवेटर, 24 टन ऑपरेटिंग वेट, 173 हॉर्स पावर, 5.9 मीटर बूम लेंथ। और ये
SY390HD crawler excavator, 37 ton operating weight, 284 horsepower, 6.5 meter boom length है, और ये सैनी का SKT-105S monster wide body dumper, 523 horsepower, 23 Nm torque, 70 ton loading weight है, और ये सैनी SY870C excavator ripper attachment के साथ, 91 ton operating weight, 506 horsepower, और ये SY580HD excavator, सैनी ने अपनी फुल रेंज यहाँ पर डिस्प्ले पे रखी है। ब्रिटिश कंपनी JCB के स्टॉल पे ये है JCB लोड ऑल 540-170 टेलीस्कोपिक हैंडलर, 4000 kg लिफ्ट कैपेसिटी, 16.7 मीटर लिफ्ट हाइट और 108 हॉर्स पावर। और ये JCB 3DX प्लस 4x4 बैकहो लोडर, 4.77 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 73 हॉर्स पावर है, 1.1 क्यूबिक मीटर लोडर कैपेसिटी है, BS4 JCB इको मैक्स इंजन है इसमें CRDI टेक्नोलॉजी के साथ, 4x4 3DX बैकहो लोडर। और ये 4DX इको एक्सपर्ट फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर, 5.3 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 73 हॉर्स पावर है, 1.2 क्यूबिक मीटर लोडर कैपेसिटी है, BS4 JCB इको मैक्स इंजन है, प्लस मोड है सेविंग्स के लिए। फोर डी एक्स बैकहो लोडर, और ये है 455-4 व्हील्ड लोडर, 18,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 3.3 क्यूबिक मीटर शवल कैपेसिटी है, 225 हॉर्स पावर इंजन है, एडवांस्ड लाइव लिंक इंटेली लोड और सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें। हॉर्स पावर का इंजन है, व्हील्ड लोडर है ये, और ये है JCB 225LC इको प्लस एक्सकेवेटर, 21,750 kg ऑपरेटिंग वेट है, 170 हॉर्स पावर है और 1.2 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, और ये है 385LC क्वारी मास्टर एक्सकेवेटर, 284 हॉर्स पावर है, लगभग 37,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, हैवी ड्यूटी बूम और आर्म है, मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक हैंडलिंग के लिए ये बनाया गया है, इसका एक्स्ट्रा वेरिएंट भी आता है बल्क एक्सकेवेशन के लिए। टू एटी फोर हॉर्स पावर है इसमें, और ये है 315LCHD हाई परफॉर्मेंस एक्सकेवेटर, 221 हॉर्स पावर है, हैवी ड्यूटी डीप सेक्शन बूम और आर्म है, कास्ट पाइवेट्स के साथ, लगभग 30,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, और ये परफॉर्मेंस ग्राउंड है, यहाँ पर एक्सकेवेटर बैकहो लोडर मिनी एक्सकेवेटर्स हैं, यहाँ आप मशीन्स की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, और ये स्किड स्टीयर लोडर, और ये JCB 3DX बैकहो लोडर अटैचमेंट के साथ, 4.77 मीटर डिग डेप्थ है, 48 हॉर्स पावर है और लगभग 1500 kg लिफ्ट कैपेसिटी है, और ये नया 37CHD मिनी एक्सकेवेटर, लगभग 3600 kg ऑपरेटिंग वेट है, न्यू लॉन्च मॉडल है ये, और ये 35ZHD मिनी एक्सकेवेटर, लगभग 3800 kg ऑपरेटिंग वेट, और ये 55Z मिनी एक्सकेवेटर, 48 हॉर्स पावर, 5500 kg ऑपरेटिंग वेट, 0.22 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, काफ़ी हाई पावर्ड और एफिशिएंट एक्सकेवेटर है ये,
48 हॉर्स पावर है इसकी, और ये 155 स्किड स्टीयर लोडर, 703 केजी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, 2900 केजी ऑपरेटिंग वेट है, 48 हॉर्स पावर है, टाइट और छोटी जगहों पे काम करने के लिए इसे बनाया गया है। और ये है JCB 81 एक्सकेवेटर, 76 हॉर्स पावर है, 8000 केजी ऑपरेटिंग वेट है, 0.3 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। और ये 433 व्हील लोडर, 125 हॉर्स पावर, 11000 केजी ऑपरेटिंग वेट और 3.1 क्यूबिक मीटर शवल रेंज। और ये 2DXL40 सुपर बैकहो लोडर, 3 मीटर डिग डेप्थ है, 49 हॉर्स पावर है और 0.6 क्यूबिक मीटर शवल कैपेसिटी है। और ये JCB 2DX बैकहो लोडर, 49 हॉर्स पावर और 3 मीटर मैक्सिमम डिग डेप्थ, 0.6 क्यूबिक मीटर शवल कैपेसिटी है। और ये है 530110 टेलीस्कोपिक हैंडलर, 3000 केजी लिफ्ट कैपेसिटी है, 74 हॉर्स पावर है और 11 मीटर लिफ्ट हाइट है। और ये NXT215LC एक्सकेवेटर, 140 हॉर्स पावर, 21500 केजी ऑपरेटिंग वेट, 1.02 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। कई सारे अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे। और ये है VM117 सिंगल ड्रम सॉइल कॉम्पैक्टर, 500 आवर्स के बाद इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज कराना होगा। इसमें कोई आफ्टर ट्रीटमेंट या डेफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, 10% ज़्यादा एवरेज है। और ये JCB 4374 व्हील लोडर, 12000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 2.2 क्यूबिक मीटर शवल कैपेसिटी और 145 हॉर्स पावर। और ये 3DX एक्स्ट्रा बैकहो लोडर, 5.05 मीटर डिग डेप्थ है, 73 हॉर्स पावर है, 1.1 क्यूबिक मीटर लोडर कैपेसिटी है, इसमें इको मैक्स इंजन है। और ये है CT160 वाइब्रेटरी टैंडम रोलर, 1000 mm ड्रम विड्थ है, 19 हॉर्स पावर का क्यूबोटा इंजन है, 1800 केजी ऑपरेटिंग वेट है। JCB वाइब्रोमैक्स, और ये मेड इन इंडिया एक्सेस प्लेटफॉर्म्स, और ये है इंडिया का पहला JCB इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर, 1900 केजी ऑपरेटिंग वेट है, 2.8 मीटर डिग डेप्थ है, 2.8 मीटर डंप हाइट है, फुल चार्ज में 5 आवर्स तक ये चल सकता है, 1900 केजी ऑपरेटिंग वेट है इसका। और ये है स्वीडिश कंपनी वोल्वो का स्टॉल, और ये है वोल्वो EC300DL BH एक्सकेवेटर, 33 टन ऑपरेटिंग वेट है, वोल्वो D7E इंजन है इसमें, 231 हॉर्स पावर, 1080 Nm टॉर्क, 6.2 मीटर बूम है, 7 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 10.4 मीटर डिगिंग रीच है और 2.7 मीटर आर्म है। और ये है L120H व्हील लोडर, 21,600 केजी ऑपरेटिंग वेट, 12,300 केजी लोडिंग कैपेसिटी, 3.6 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी, 273 हॉर्स पावर, 1450 Nm टॉर्क। और ये है EC480D एक्सकेवेटर, 53,100 केजी ऑपरेटिंग वेट, 355 हॉर्स पावर, 3.5 मीटर विड्थ है, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकर अटैचमेंट लगा है।
355 हॉर्स पावर है इसकी। और ये है EC200D एक्सकेवेटर, 20,300 kg ऑपरेटिंग वेट, 165 हॉर्स पावर। अटैचमेंट है इसमें भी, ये भी सेम मॉडल है, EC200D एक्सकेवेटर, 165 हॉर्स पावर है, 20,300 kg ऑपरेटिंग वेट है इसका। और ये है P7320 ABG रोड पेवर, 9 मीटर विड्थ पे, 700 टन पर आर पेविंग कैपेसिटी है। और ये है DD90C एसफाल्ट कॉम्पैक्टर, 8700 kg ऑपरेटिंग वेट है, 73 हॉर्स पावर है और 1.6 मीटर ड्रम विड्थ है। और ये है FMX 500 8x4 डंपर ट्रक, 58,000 kg ग्रॉस वेट है, 12,800 cc इंजन है, इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन, 500 हॉर्स पावर है, 2500 Nm टॉर्क है और 59 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। वोल्वो FMX 500 8x4। और ये है FM 8x4 टिपर ट्रक, 35,000 kg ग्रॉस वेट है, 12,800 cc इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन है, 420 हॉर्स पावर है, 2100 Nm टॉर्क है और 58 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है। एट बाय फोर टिपर। और ये है SD11CD सॉइल कॉम्पैक्टर, 11,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 99 हॉर्स पावर, 243 किलो न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, 30 हर्ट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। और ये है चाइनीज कंपनी जूम लियोन का स्टॉल, ये है जूम लियोन 38X 5RZ ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 38 मीटर पंप है जो 2XL ट्रक पे माउंट किया गया है। एक्यूरेट पंपिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी है पंपिंग एक्यूरेसी और अडेप्टेबिलिटी के लिए। और ये है ZTC 800 R542 मोबाइल ट्रक क्रेन, 47 मीटर बूम लेंथ है, 16 मीटर फिक्स्ड जिब लेंथ है। मोबाइल क्रेन है ये। और ये है ZCC 1000V क्रॉलर क्रेन, 100 टन लोडिंग कैपेसिटी है, इसमें आपको एक साल की वारंटी मिलेगी। पीछे काउंटर वेट है, काफी यूनिक कलर है ग्रीन। और ये है ZAT 2500 ऑल टेरेन क्रेन, 80 मीटर बूम लिफ्टिंग हाइट है, 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है और 45% ग्रेडेबिलिटी है। और ये इसका इंटीरियर, कंफर्टेबल सीट्स हैं। एटी किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। और ये है ZE
210EI क्रॉलर हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 21.3 टन वेट है, कमिंस का इंजन है, 150 हॉर्स पावर है। और ये है ZR-140 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 1300 mm ड्रिलिंग डायमीटर है, 44 मीटर ड्रिलिंग डेप्थ है, 40 टन ऑपरेटिंग वेट है। और ये है ZR-255 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 2000 mm ड्रिलिंग डायमीटर है, 70 मीटर ड्रिलिंग डेप्थ है, 80 टन ऑपरेटिंग वेट है और 324 हॉर्स पावर है इसकी। और ये है ZR-185 रोटरी ड्रिलिंग रिग, 1500 mm ड्रिलिंग डायमीटर है, 56 मीटर ड्रिलिंग डेप्थ है, 55 टन ऑपरेटिंग वेट है, कमिंस का इंजन है इसमें, 242 हॉर्स पावर है। क्लोज्ड है ये, 55 टन ऑपरेटिंग वेट है इसका। और ये इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स का स्टॉल, ये है टाटा सिग्ना 3525T के टिपर, 35,000 kg ग्रॉस वेट है, 249 हॉर्स पावर है और 950 Nm टॉर्क है। सिग्ना 3525। और ये प्राइमा 2825 के टिपर, 28,000 kg ग्रॉस वेट, 249 हॉर्स पावर। और ये 5530S ट्रैक्टर ट्रेलर, 55,000 kg ग्रॉस वेट, 300 हॉर्स पावर और 1100 Nm टॉर्क। और ये सिग्ना 4825T के टिपर, 47,500 kg ग्रॉस वेट, 249 हॉर्स पावर, 950 Nm टॉर्क और 430 mm डायमीटर क्लच है इसका। और ये RMC ट्रक्स। और ये है टाटा प्राइमा 3530 के RMC, 35,000 kg ग्रॉस वेट है इसका। BS6 इंजन है इसमें। और ये है प्राइमा 2830 के RMC, 28,000 kg ग्रॉस वेट, 301 हॉर्स पावर, 1100 Nm टॉर्क। और ये सिग्ना 2825 के RMC, 28,000 kg ग्रॉस वेट। और ये है प्राइमा 2830 के टिपर, 27,600 kg ग्रॉस वेट, 301 हॉर्स पावर और 1100 Nm टॉर्क। और ये प्राइमा 3530 के टिपर, 35,000 kg ग्रॉस वेट, 301 हॉर्स पावर और 1100 Nm टॉर्क। और ये टाटा योद्धा क्रू कैबिन। और ये टाटा ASHT प्लस छोटा हाथी। और ये इंडियन जापानीज कंपनी टाटा हिटाची का स्टॉल। ये है नया EX200 एक्सकेवेटर, 131 हॉर्स पावर, 20,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 0.91 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। और ये EX210LC एक्सकेवेटर, 131 हॉर्स पावर, 20,600 kg ऑपरेटिंग वेट, 1.5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। और ये EX215LC एक्सकेवेटर, 131 हॉर्स पावर और 21,300 kg ऑपरेटिंग वेट। और ये ZXS220LC एक्सकेवेटर, 167 हॉर्स पावर, 21,600 kg ऑपरेटिंग वेट। इसमें इसुजु का इंजन है। और ये है EX70 प्राइम एक्सकेवेटर, 48 हॉर्स पावर, 7,200 kg ऑपरेटिंग वेट,
0.68 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी, और ये EX130 एक्सकेवेटर 75 हॉर्स पावर, 12,146 केजी ऑपरेटिंग वेट। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, और ये नया शिनराई प्रो CNG बैकहो लोडर, लगभग 8,000 केजी ऑपरेटिंग वेट है, 47 हॉर्स पावर है, 1.1 क्यूबिक मीटर लोडर बकेट कैपेसिटी है, 1800 केजी पे लोड कैपेसिटी है, टू व्हील ड्राइव मॉडल है ये, 0.26 क्यूबिक मीटर बैकहो बकेट कैपेसिटी है इसकी। और ये शिनराई प्राइम बैकहो लोडर, 74 हॉर्स पावर, लगभग 8,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 1.1 क्यूबिक मीटर लोडर बकेट कैपेसिटी है, 4x4 मॉडल है ये, और ये जेड एक्सेस 370 LCH एक्सकेवेटर, 246 हॉर्स पावर, लगभग 36,000 केजी ऑपरेटिंग वेट और 2.5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी। कंफर्टेबल सीट, टू फोर्टी सिक्स हॉर्स पावर है इसकी, और ये जेड एक्सेस 470H एक्सकेवेटर, 231 हॉर्स पावर, 47,100 केजी ऑपरेटिंग वेट, 3.1 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, इसमें भी अटैचमेंट लगा हुआ है अभी। और ये नया ZW225 व्हील लोडर, 225 हॉर्स पावर, 18,360 केजी ऑपरेटिंग वेट, 5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है इसकी। और ये नया TL340H प्राइम व्हील लोडर, 121 हॉर्स पावर, 11,060 केजी ऑपरेटिंग वेट, 2.7 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है इसकी। हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव टेक्नोलॉजी है ज़्यादा इंजन RPM के लिए। कोरियन कंपनी Hyundai का स्टॉल, ये Hyundai R215L स्मार्ट प्लस एक्सकेवेटर, 22,200 केजी ऑपरेटिंग वेट, 148 हॉर्स पावर, 5.68 मीटर बूम है, और ये R85A स्मार्ट एक्सकेवेटर, 8,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 76 हॉर्स पावर और 3.7 मीटर बूम है, और ये R130 स्मार्ट एक्सकेवेटर, 12,100 केजी ऑपरेटिंग वेट, 94 हॉर्स पावर और 4.3 मीटर बूम है, और ये R140LC9 एक्सकेवेटर, लगभग 14,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 105 हॉर्स पावर और 4.6 मीटर बूम है, और ये 210 स्मार्ट प्लस एक्सकेवेटर, 21,200 केजी ऑपरेटिंग वेट और 140 हॉर्स पावर, और ये 50D9SA फोर्कलिफ्ट, 5,000 केजी कैपेसिटी है इसकी, 4.5 मीटर लेंथ है, 7,300 केजी सर्विस वेट है और 3.4 मीटर लिफ्ट हाइट है, और ये R35Z9 मिनी एक्सकेवेटर, 27 हॉर्स पावर और 3,750 केजी ऑपरेटिंग वेट, और ये R30Z9AK मिनी एक्सकेवेटर, 24 हॉर्स पावर और लगभग 3,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 0.8 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। ये R215 स्मार्ट प्लस एक्सकेवेटर, 21,700 केजी ऑपरेटिंग वेट, 140 हॉर्स पावर, 5.6 मीटर बूम लेंथ है, और ये 230LM स्मार्ट प्लस क्रॉलर माइनिंग एक्सकेवेटर, 23,300 केजी ऑपरेटिंग वेट और 148 हॉर्स पावर,
और ये है R245LR स्मार्ट प्लस एक्सकेवेटर, 24,500 kg ऑपरेटिंग वेट, 8.2 मीटर बूम लेंथ, 140 हॉर्स पावर। और ये R340L स्मार्ट प्लस एक्सकेवेटर, 33,800 kg ऑपरेटिंग वेट, 276 हॉर्स पावर और 6.4 मीटर बूम लेंथ। और ये HX360L क्रॉलर माइनिंग एक्सकेवेटर, 35,500 kg ऑपरेटिंग वेट। और ये HX380L क्रॉलर माइनिंग एक्सकेवेटर, 37,200 kg ऑपरेटिंग वेट, 265 हॉर्स पावर और 10 मीटर डिगिंग रीच है। अमेरिकन कंपनी कैटरपिलर के स्टॉल पे ये कैट 320D3 एक्सकेवेटर, 21,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 123 हॉर्स पावर, 6.3 मीटर डिगिंग डेप्थ, 1500 cc इंजन है इसमें, 350 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये भी सेम 320D3 एक्सकेवेटर, इसमें अटैचमेंट है। और ये है 950M व्हील लोडर, लगभग 19,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 250 हॉर्स पावर है और 9.2 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। व्हील लोडर है ये। और ये इसुजू कैट मोबाइल सर्विस वैन, GMMCO कंपनी की है ये। और ये कैट 313D2 एक्सकेवेटर, 13,300 kg ऑपरेटिंग वेट है, 5.5 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 91 हॉर्स पावर है। और ये 330GC एक्सकेवेटर, लगभग 29,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 211 हॉर्स पावर और 7.2 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 7,000 cc इंजन है इसमें, 474 लीटर फ्यूल टैंक है। और ये कैट 120 मोटर ग्रेडर, 15,800 kg ऑपरेटिंग वेट, 3.7 मीटर ब्लेड विड्थ है, 165 हॉर्स पावर है। और ये 320D3GC एक्सकेवेटर, लगभग 20,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 6 मीटर डिगिंग डेप्थ है और 123 हॉर्स पावर है। और ये है 323D3 एक्सकेवेटर, लगभग 23,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 142 हॉर्स पावर और 6.3 मीटर डिगिंग डेप्थ। और ये है कैट हिंदुस्तान 2021 व्हील लोडर, 11,700 kg ऑपरेटिंग वेट है, अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर इंजन है, 133 हॉर्स पावर है, 475 Nm टॉर्क है। हिंदुस्तान व्हील लोडर है ये। और ये है कैट 303 मिनी एक्सकेवेटर, 3545 kg ऑपरेटिंग वेट है, 2.9 मीटर डिग डेप्थ है, 23 हॉर्स पावर है। और ये 424 बैकहो लोडर, लगभग 8,760 kg ऑपरेटिंग वेट है और 70 हॉर्स पावर, टू व्हील ड्राइव मॉडल है ये। और ये 424 बैकहो लोडर का फोर व्हील ड्राइव मॉडल, 70 हॉर्स पावर। और ये 216B3 स्किड स्टीयर लोडर, लगभग 2600 kg ऑपरेटिंग वेट और 51 हॉर्स पावर।
और ये है SEM 915 मोटर ग्रेडर, 12,500 kg ऑपरेटिंग वेट, 6,500 cc इंजन है, 147 हॉर्स पावर है। और ये है SEM 636D व्हील लोडर, 10,000 kg ऑपरेटिंग वेट, 133 हॉर्स पावर, 2.5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी, 3,000 kg रेटेड लोड कैपेसिटी और इसमें चार गियर्स हैं। कैटरप्लर का ही ब्रांड है SEM। और ये है SEM 656D व्हील लोडर, लगभग 17,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 217 हॉर्स पावर है। ये SEM का फ्लैगशिप मॉडल है, बेस्ट इन क्लास हाइड्रोलिक साइकिल टाइम है। इसे आप 1,60,000 रुपीज़ पर मंथ EMI पे ख़रीद सकते हैं, 17,000 kg इसका ऑपरेटिंग वेट है। और ये इसका शानदार केबिन। और ये है SEM 816D ट्रैक टाइप बुलडोज़र, इसकी लगभग 17,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 175 हॉर्स पावर है, 430 mm ब्लेड डिगिंग डेप्थ है, 2,00,000 पर मंथ रुपीज़ EMI पर आप इसे खरीद सकते हैं। और ये है कैट 120 GC मोटर ग्रेडर, 16,000 kg वेट है, 3.7 मीटर ब्लेड विड्थ है, 171 हॉर्स पावर है, 738 Nm टॉर्क है, 4,400 cc इंजन है इसमें, 9.9 मीटर मशीन लेंथ है। जैपनीज कंपनी कोमात्सु के स्टॉल पे, ये कोमात्सु PC210M0 एक्सकेवेटर, 23 टन ऑपरेटिंग वेट, 165 हॉर्स पावर। और ये PC300LC एक्सकेवेटर, 34,100 kg ऑपरेटिंग वेट, 260 हॉर्स पावर। और ये PC250LC एक्सकेवेटर, 35,200 kg ऑपरेटिंग वेट है, 260 हॉर्स पावर है और 6.5 मीटर इसका बूम है। ये टाटा योद्धा कोमात्सु मोबाइल ल्यूब वैन। और ये PC71 एक्सकेवेटर, 7,000 kg ऑपरेटिंग वेट है और 60 हॉर्स पावर। और ये PC130 एक्सकेवेटर, 12,600 kg ऑपरेटिंग वेट है, 89 हॉर्स पावर है। ये भी सेम PC130 मॉडल है, इसमें हाइड्रोमाइंड हाइड्रोलिक सिस्टम है, 0.64 क्यूबिक मीटर बकेट है। और ये PC205 एक्सकेवेटर, 20,000 kg ऑपरेटिंग वेट और 148 हॉर्स पावर। और ये PC210LC क्रॉलर एक्सकेवेटर, 23.6 टन ऑपरेटिंग वेट है, 165 हॉर्स पावर है, 5.7 मीटर बूम लेंथ है, AC केबिन है इसमें, 8 वर्किंग मोड्स हैं, सेल्फ डायग्नोस्टिक LCD मॉनिटर है इसमें, PC210LC। और ये है PC500LC एक्सकेवेटर, 50,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 362 हॉर्स पावर है, 4 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। और ये है GD535 मोटर ग्रेडर, लगभग 14,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 154 हॉर्स पावर है, 658 Nm टॉर्क है, 8 स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें
और ये D85 ESS क्रॉलर डोजर, 21,000 kg ऑपरेटिंग वेट और 200 हॉर्स पावर। अब हम है जर्मन कंपनी श्विंग स्टार्टर के स्टॉल पे, और ये है S36X ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 126 mm पाइपलाइन डायमीटर है, 35.2 मीटर लेंथ है, 4 आर्टिकुलेशंस हैं इसमें। ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप है इस पे, अशोक लेलैंड का ट्रक है। और ये S43SX3 ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 42 मीटर लेंथ है इसकी। और ये S47SX3 ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 46 मीटर लेंथ है इसकी, 125 mm पाइपलाइन डायमीटर। और ये है AM9FH C2 कॉन्क्रीट ट्रक मिक्सर, 9000 लीटर फिलिंग कैपेसिटी है इसकी। और ये है BEE 2.1 सेल्फ लोडिंग मिक्सर, 380 लीटर लोडिंग शवल है, 2.2 क्यूबिक मीटर ड्रम आउटपुट है, 49 हॉर्स पावर है। और ये SLM 2600 सेल्फ लोडिंग मिक्सर, 415 लीटर लोडिंग शवल, 74 हॉर्स पावर। और ये SLM 4600 सेल्फ लोडिंग मिक्सर, 600 लीटर लोडिंग शवल, 110 हॉर्स पावर। और ये 750 लीटर वाटर टैंक है इसमें। SLM 4600 शोइंग स्टार्टर का। और ये है मोबाइल सर्विस वैन, और ये है AM12SHC कॉन्क्रीट ट्रक मिक्सर, 12,000 लीटर फिलिंग कैपेसिटी है, 20,690 लीटर जियोमेट्रिक वॉल्यूम है। और ये है AM10FHN2 कॉन्क्रीट ट्रक मिक्सर, 10,000 लीटर फिलिंग कैपेसिटी है, 17,080 लीटर जियोमेट्रिक वॉल्यूम है। और ये है TSR 30.14 मार्क टू शॉर्टक्रीट पंप, 14 मीटर बूम वर्टिकल रीच है, 11 मीटर बूम हॉरिजॉन्टल रीच है। अब हम है चाइनीज कंपनी SDLG के स्टॉल पे, और ये है SDLG L936H व्हील लोडर, 11,230 kg ऑपरेटिंग वेट है, 2.1 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, 3500 kg रेटेड लोड है, 140 हॉर्स पावर है। ये है G9138H मोटर ग्रेडर, 12.3 टन ऑपरेटिंग वेट है, 148 हॉर्स पावर है और 640 Nm टॉर्क है। और ये है E6135FI हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 13.5 टन ऑपरेटिंग वेट है, 101 हॉर्स पावर है, 425 Nm टॉर्क है, 4.2 मीटर बूम लेंथ है। और ये है L975F व्हील लोडर, 7 टन पेलोड कैपेसिटी है, 267 हॉर्स पावर है और 1300 Nm टॉर्क है। है इसकी चाइनीज कंपनी XCMG के स्टॉल पे। ये है XCMG GR 1705 मोटर ग्रेडर, 15,000 kg टोटल वेट है, 238 हॉर्स पावर है। और ये है ZL55GV व्हील लोडर, 17,300 kg ऑपरेटिंग वेट है, 230 हॉर्स पावर है, 5,500 kg पे लोड कैपेसिटी है। 230 हॉर्स पावर।
और ये है ZL 33 FE व्हील लोडर, 10,600 kg ऑपरेटिंग वेट है, 133 horsepower है और 3,000 kg पेलोड कैपेसिटी। और ये है XC140i एक्सकेवेटर, 13,400 kg ऑपरेटिंग वेट और 100 horsepower। और ये XC215i LC एक्सकेवेटर, 21,500 kg ऑपरेटिंग वेट, 141 horsepower। और ये XC230C एक्सकेवेटर, 22,300 kg ऑपरेटिंग वेट, 174 horsepower। और ये XE380C एक्सकेवेटर, 36,600 kg ऑपरेटिंग वेट और 259 horsepower। और ये XE520C एक्सकेवेटर, 50,000 kg ऑपरेटिंग वेट और 280 horsepower। और ये है XE38U एक्सकेवेटर, 3,900 kg ऑपरेटिंग वेट, यानमार का इंजन है, 30 horsepower है और 106 Nm टॉर्क है। और ये है XE80C एक्सकेवेटर, 8,000 kg ऑपरेटिंग वेट और 56 horsepower। और ये है XS163J सिंगल ड्रम रोलर कॉम्पैक्टर, 16,000 kg ऑपरेटिंग वेट है और 138 horsepower। और ये है XZ1350 ट्रेंचलेस HDD ड्रिल मशीन, 25 ton ऑपरेटिंग वेट है, 354 horsepower है, 80 kPa ग्राउंड प्रेशर है, 6 meter पाइप लेंथ है। और ये है श्वेंग्ड स्टेटर का AM8 FHN2 कॉन्क्रीट ट्रक मिक्सर, 8,000 liter फिलिंग कैपेसिटी है इसकी। और ये है XR175-1 पिलिंग रिग, कमिंस का इंजन है, 226 horsepower है और 56 मीटर ड्रिलिंग डेप्थ है, 18 मीटर हाइट है। और ये है XGC150IA क्रॉलर क्रेन, 150 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 81 मीटर बूम लेंथ है, 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, 30% ग्रेडेबिलिटी है और 315 हॉर्स पावर है। XGC150IA 150 टन की क्रेन है ये। अब हम हैं इंडियन कंपनी महिंद्रा के स्टॉल पे, और ये है महिंद्रा रोड मास्टर G9595 मोटर ग्रेडर, 9400 kg ग्रॉस वेट है, 3500 cc फोर सिलेंडर इंजन है, 95 horsepower, 401 Nm टॉर्क। और ये है रोड मास्टर G9075 मोटर ग्रेडर, 8800 kg ग्रॉस वेट, 3500 cc फोर सिलेंडर इंजन, 74 horsepower, 345 Nm टॉर्क। फोर व्हील ड्राइव है। और ये सर्विस वैन। और ये है रोड मास्टर G75 स्मार्ट मोटर ग्रेडर, 7,160 kg ग्रॉस वेट, 3500 cc फोर सिलेंडर इंजन, 74 horsepower, 345 Nm टॉर्क। और ये है अर्थ मास्टर VX बैकहो लोडर, 3500 cc फोर सिलेंडर इंजन है, 74 horsepower, 306 Nm टॉर्क, 7,400 kg वेट। और ये है अर्थ मास्टर SX स्मार्ट 50 बैकहो लोडर, 3500 cc फोर सिलेंडर इंजन, 49 horsepower, 235 Nm टॉर्क, 7,500 kg वेट है। महिंद्रा के अर्थ मास्टर बैकहो लोडर्स हैं ये। और ये है बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX, 75 horsepower, 200 Nm टॉर्क, 1,000 kg पेलोड कैपेसिटी। और ये फ्यूरियो 7 HD कार्गो, 122 horsepower, 7,000 kg ग्रॉस वेट। और ये फ्यूरो रेपॉस फ्यूल डिलीवरी ट्रक।
ये फ्यूल डिस्पेंसर है, और ये ब्लेजो ट्रांजिट मिक्सर, 28,000 केजी ग्रॉस वेट, 276 हॉर्स पावर, और ये ब्लेजो एक्स 35 टिपर, 35,000 केजी ग्रॉस वेट, 276 हॉर्स पावर, 1050 एनएम टॉर्क। अब हम हैं जैपनीज कंपनी कोवेल्को के स्टॉल पे। ये है कोवेल्को एस के 380 एक्स डी एल सी एक्सकेवेटर, 39,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 7700 सीसी इंजन, 268 हॉर्स पावर, 11 मीटर डिगिंग रीच है। इसमें अटैचमेंट है। और ये भी 380 एक्स डी एल सी एक्सकेवेटर है, 39,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 11 मीटर डिगिंग रीच। और ये है एस के 520 एक्स डी एल सी एक्सकेवेटर, 51,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, 344 हॉर्स पावर, 3.4 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी। और ये है एस के 850 एल सी एक्सकेवेटर, 80,500 केजी ऑपरेटिंग वेट है, 5.4 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी। इसमें कोमात्सु का इंजन है, 496 हॉर्स पावर, 2197 एनएम टॉर्क और 960 लीटर का फ्यूल टैंक। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैचमेंट, 1250 केजी पिग आयरन लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और ये है एसके 220 एक्सडी एलसी एक्सकेवेटर, 22,800 केजी ऑपरेटिंग वेट और 158 हॉर्स पावर। और ये है एसके 220 एक्सकेवेटर, 21,100 केजी ऑपरेटिंग वेट, 158 हॉर्स पावर, 0.93 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी। एस के 220। और ये है एस के 140 एक्सकेवेटर, 13,300 केजी ऑपरेटिंग वेट, 133 हॉर्स पावर, 0.6 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी, 8 मीटर रीच है। इसमें भी अटैचमेंट है। और ये एस के 30 एस आर मिनी एक्सकेवेटर, 3,780 केजी ऑपरेटिंग वेट, 24 हॉर्स पावर, 1.3 मीटर आर्म लेंथ है। और ये है एसके 35 एसआर मिनी एक्सकेवेटर, 3,410 केजी ऑपरेटिंग वेट, 24 हॉर्स पावर, 1.3 मीटर आर्म लेंथ है, 0.11 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। ये है अमेरिकन कंपनी बॉबकैट का स्टॉल। और ये है बॉबकैट B900 बैकहो लोडर, 8,000 केजी ऑपरेटिंग वेट, अशोक लेलैंड का इंजन है, 74 हॉर्स पावर, 336 एनएम टॉर्क, 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 6.1 मीटर लेंथ। यूनिक वाइट कलर में, लॉक्ड है। और ये है B760 फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर, परकिंस का 4400 सीसी इंजन है इसमें, 94 हॉर्स पावर, 392 एनएम टॉर्क, 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। लोडर की 6,222 केजीएफ ब्रेकआउट फोर्स है और बैकहो की 5,900 केजीएफ टीआर आउट फोर्स है, 1.1 क्यूबिक मीटर लोडर बकेट कैपेसिटी है और 0.3 क्यूबिक मीटर बैकहो बकेट कैपेसिटी है। 94 हॉर्स पावर है इसकी। डूसान कंपनी ओन करती है बॉबकैट को। और ये S70 स्किड स्टीयर लोडर, लगभग 1,300 केजी ऑपरेटिंग वेट, 23 हॉर्स पावर और 61 एनएम टॉर्क।
और ये B900 बैकहो लोडर, परफॉर्मेंस ग्राउंड, स्किड्स टीयर लोडर्स, और ये है नया E20Z कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर, 2000 kg ऑपरेटिंग वेट, 13 हॉर्स पावर, 4 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और ये E27 कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर, 2800 kg ऑपरेटिंग वेट, 24 हॉर्स पावर। और ये E30 कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर, 3100 kg ऑपरेटिंग वेट और 24 हॉर्स पावर। और ये S450 स्किड स्टीयर लोडर, 2400 kg ऑपरेटिंग वेट, 48 हॉर्स पावर, 149 Nm टॉर्क। और ये बैकहो लोडर B900, और ये S770 स्किड स्टीयर लोडर, इसके साथ ग्रेडर अटैचमेंट है, 4225 kg ऑपरेटिंग वेट है, 93 हॉर्स पावर है और 354 Nm टॉर्क है। और ये है E10E इलेक्ट्रिक मिनी एक्सकेवेटर, फुल चार्ज पे 8 आर तक ये चल सकता है, 1200 kg ऑपरेटिंग वेट है, 10 हॉर्स पावर है और 12.7 किलोवाट आर की बैटरी है इसमें, 8 घंटे तक ये चल सकता है फुल चार्ज पे। और ये इंडियन कंपनी एस का स्टॉल, ये है एस AX124 फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर, ये टू व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है, 8100 kg ऑपरेटिंग वेट है, किर्लोस्कर का फोर सिलेंडर इंजन है, 74 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, लोडर की 1 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है और बैकहो की 0.24 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। AX124 बैकहो लोडर। और ये है AF30D फोर्कलिफ्ट, 3 टन कैपेसिटी है, 6 मीटर हाइट है, 40 हॉर्स पावर है और 4500 kg ऑपरेटिंग वेट। और ये है ASD115 वाइब्रेटरी सॉइल कॉम्पैक्टर, 11 टन ऑपरेटिंग वेट, 108 हॉर्स पावर और 32,000 kg अप्लाइड फोर्स। और ये है AG176 मोटर ग्रेडर, 15 टन ऑपरेटिंग वेट है, 3.65 मीटर ब्लेड लेंथ है, 180 हॉर्स पावर है, 7,100 kg ब्लेड डाउन फोर्स है और 9,450 kg ड्रॉ बार पुल है। मोटर ग्रेडर। और ये सनवर्ड ऐसे 250 पाइलिंग रिग, 80 टन टोटल वेट है और 324 हॉर्स पावर। और ये है ACX 800 क्रॉलर क्रेन, 80 टन कैपेसिटी, 57 मीटर बूम लेंथ, 230 हॉर्स पावर और 84 टन ऑपरेटिंग वेट। और ये है FP210 पाइलिंग क्रेन, 20 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी, 21 मीटर हाइट है, 101 हॉर्स पावर है, फोर व्हील ड्राइव है ये। और ये है NX360 फोर व्हील ड्राइव मोबाइल क्रेन, 20 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी, 19 मीटर हाइट है और 101 हॉर्स पावर है। और ये NXP150 मोबाइल क्रेन, 15 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी, 21 मीटर हाइट है और 49 हॉर्स पावर है। और ये है F150 मोबाइल क्रेन,
15 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 18.6 मीटर हाइट है, 101 हॉर्स पावर है और फोर व्हील ड्राइव मॉडल है ये। F-150 क्रेन है ये, 4x4 लॉक्ड है। और ये है फैंटम 4x4 बैकहो लोडर, इसमें महिंद्रा का 95 हॉर्स पावर इंजन है, 0.24 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, करारो का एक्सेल और ट्रांसमिशन है इसमें। और ये स्वीडिश कंपनी स्कानिया का स्टॉल, और ये है स्कानिया G500XT 8x4 हैवी टिपर, 35,000 kg ग्रॉस वेट है, 12,700 cc 6 सिलेंडर स्कानिया DC13 यूरो 6 इंजन है इसमें, 500 हॉर्स पावर, 2550 Nm टॉर्क और 380 लीटर का फ्यूल टैंक है। यू टाइप रॉक बॉडी है इसकी। और ये इसका शानदार केबिन, ये इंफ्रा कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, लाइमस्टोन माइनिंग, इग्नाइट और बेरेटिस माइनिंग के लिए सूटेबल है। 9.7 मीटर लेंथ है इसकी और 4 मीटर हाइट है, 500 हॉर्स पावर का टेपर ट्रक है ये। स्कानिया G500XT, टॉर्क है इसमें। और हमें जापानीज कंपनी क्यूवोटा के स्टॉल पे, यह क्यूवोटा U50 मिनी एक्सकेवेटर, 38 हॉर्स पावर, 3.5 मीटर डिगिंग डेप्थ और 4,800 kg वेट। मिनी एक्सकेवेटर्स के लिए फेमस है क्यूबोटा। और ये है U17-3 मिनी एक्सकेवेटर, 16 हॉर्स पावर, 2.3 मीटर डिगिंग डेप्थ और 1,700 kg वेट। स्टाइलिश ऑरेंज कलर। और ये है U30S मिनी एक्सकेवेटर ऑटो आइडल सिस्टम के साथ, 27 हॉर्स पावर है, 2.8 मीटर डिगिंग डेप्थ है, 3,200 kg वेट है। इसमें लोड सेंसिंग हाइड्रोलिक्स हैं और डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। यह है इंडियन कंपनी एस्कॉर्ट्स का स्टॉल, यह है एस्कॉर्ट्स F-15 फाइटर हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, 18 मीटर बूम लेंथ है, 75 हॉर्स पावर है। और यह NXT-13 CNG क्रेन, 13 टन कैपेसिटी है, 49 हॉर्स पावर इंजन है, 13 मीटर बूम हाइट है, डीजल और CNG हाइब्रिड है ये। और ये है RC-2522 क्रेन, 25 टन कैपेसिटी है, 110 हॉर्स पावर है, 22 मीटर बूम हाइट है, ग्लोबल स्टाइलिंग लुक है। और ये है F-35 क्रेन, 35 टन कैपेसिटी है, 137 हॉर्स पावर है, 15.5 मीटर बूम हाइट है। और ये हाइड्रा 18 क्रेन, 18 टन कैपेसिटी है और
60 हॉर्स पावर, और ये है 585 मोटर ग्रेडर, 130 हॉर्स पावर, 480 Nm टॉर्क और 360 डिग्री ब्लेड रोटेशन है इसमें। और ये है 5030 टैंडम कॉम्पैक्टर, 3 टन कैपेसिटी है, 10 टन कॉम्पैक्शन फोर्स है, 320 mm ग्राउंड क्लीयरेंस है। इसमें आप सिंगल या दोनों ड्रम वाइब्रेशन स्विच कर सकते हैं। टैंडम कॉम्पैक्टर है ये। और ये है 5090 टैंडम वाइब्रेटरी रोलर, 9 टन कैपेसिटी है, टिल्टेबल स्टेयरिंग है इसमें। और ये है जंगली HT 4x4 बैकहो लोडर, 2000 kg कैपेसिटी है, 76 हॉर्स पावर है। ब्लैक ग्रीन में जंगली लुक दिया गया है इसे। और ये है XT 1610 फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर, 8300 kg वेट है, टर्बोचार्ज डीजल इंजन है इसमें, 120 बार वर्किंग प्रेशर है। इसका केबिन, इंडियन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉल पे। और यह है S315R स्किड स्टीयर लोडर, 3300 kg ऑपरेटिंग वेट, 60 हॉर्स पावर, 1500 kg टिपिंग लोड। और यह LNT 491 मिनी टैंडम कॉम्पैक्टर, 3.6 टन ऑपरेटिंग वेट, महिंद्रा का 44 हॉर्स पावर इंजन है इसमें, 65 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 32% ग्रेडेबिलिटी है। और ये है 2490 HD न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, 24,000 kg मैक्स ऑपरेटिंग वेट है, आगे पीछे चार चार टायर्स हैं इसमें, 101 हॉर्स पावर है, 2 मीटर विड्थ है। और ये 990 HF टैंडम कॉम्पैक्टर, 10 टन ऑपरेटिंग वेट, अशोक लेलैंड का इंजन है, 76 हॉर्स पावर, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और ये 1190 डी सॉइल कॉम्पैक्टर, 11.3 टन ऑपरेटिंग वेट, 101 हॉर्स पावर, 34 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अशोक लेलैंड का इंजन है, 2.1 मीटर ड्रम विड्थ है और 40% ग्रेडेबिलिटी है। और ये है 9020 SX व्हील लोडर, 11500 kg ऑपरेटिंग वेट है, 133 हॉर्स पावर है, 3500 kg पे लोड कैपेसिटी है, 3 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। शानदार बड़ा व्हील लोडर, इंडियन कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के स्टॉल पे। ये है BMLBG 405A मोटर ग्रेडर, 10 फीट ब्लेड लेंथ है, 12,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, 133 हॉर्स पावर है, 475 Nm टॉर्क है, ZF का 6 स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें। और ये है BG605 मोटर ग्रेडर, 13,600 kg ऑपरेटिंग वेट, अशोक लेलैंड का 160 हॉर्स पावर इंजन है, 650 Nm टॉर्क है, 12 फीट की ब्लेड है इसमें और ZF का ट्रांसमिशन है। और ये है BD50 HST क्रॉलर डोजर, 10,500 kg ऑपरेटिंग वेट है, 100 हॉर्स पावर है और 472 Nm टॉर्क है। और ये है BD85 क्रॉलर डोजर, 24,340 kg ऑपरेटिंग वेट है, 230 हॉर्स पावर है, 1010 Nm टॉर्क है और 40,000 kg ड्रॉ बार पुल है।
और ये है BL31 व्हील लोडर, 18,000 kg ऑपरेटिंग वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 225 हॉर्स पावर है और 800 Nm टॉर्क है। BEML का व्हील लोडर, अब हैं हम फ्रेंच कंपनी मैनीटो के स्टॉल पे। ये मैनीटो MHTX790 टेली हैंडलर, 7,000 kg कैपेसिटी है, 6.8 मीटर लिफ्टिंग हाइट है, 137 हॉर्स पावर है। कुछ स्पेसिफिकेशंस, ये MXT1740 टेली हैंडलर, 4,000 kg कैपेसिटी है, 17.4 मीटर लिफ्टिंग हाइट है और 74 हॉर्स पावर है। स्टाइलिश रेड कलर। और ये MXT840 टैली हैंडलर, 4,000 kg कैपेसिटी है, 7.6 मीटर लिफ्टिंग हाइट है, 94 हॉर्स पावर है। और ये है MBL745S बैक लोडर, 74 हॉर्स पावर है, 300 Nm टॉर्क है, 7,400 kg ऑपरेटिंग वेट। और ये MBL745HTS बैक लोडर, 74 हॉर्स पावर, 0.27 क्यूबिक मीटर बैकहो बकेट कैपेसिटी और 1 क्यूबिक मीटर लोडर बकेट कैपेसिटी। और ये है MBL745 रेंजर बैक लोडर, 73 हॉर्स पावर, 7.4 मीटर लेंथ। इसका केबिन, इजी कंट्रोल्स, स्टाइलिश रेड कलर। और ये है 1340R स्किड स्टीयर लोडर, 612 kg ऑपरेटिंग वेट, 3.5 मीटर हाइट। और ये है MI30D फोर्कलिफ्ट, 3,000 kg कैपेसिटी है, यानमार का इंजन है, 47 हॉर्स पावर और 18 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। है इसकी। स्विस कंपनी एमान के स्टॉल पे। यह है अपोलो WM6HES मैकेनिकल पेवर, 10,000 kg वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 105 हॉर्स पावर, 120 लीटर फ्यूल टैंक है, इसमें पावर स्टेयरिंग है, 3.1 मीटर विड्थ है, 3 मीटर हाइट है और 5.8 मीटर लेंथ है इसकी। अपोलो का मैकेनिकल पेवर है ये। और ये अपोलो AP600 व्हील्ड हाइड्रोस्टैटिक सेंसर पेवर, 17,300 kg वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 132 हॉर्स पावर, 132 लीटर फ्यूल टैंक, 2.5 मीटर विड्थ है और 3.2 मीटर हाइट है इसकी। हाइड्रोस्टैटिक सेंसर पेवर है ये। और ये अमान का ARX 90.2 टैंडम रोलर, 9,400 kg ऑपरेटिंग वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 73 हॉर्स पावर, 340 Nm टॉर्क, 55 हर्ट्स कॉम्पैक्शन फोर्स है। और ये है ARX 32.2 लाइट टैंडम रोलर, 13.8 mm
ड्रम शेल थिकनेस है, छोटी सी क्यूट सीट है, और ये है ARX 110.2 सिंगल ड्रम रोलर, 11,100 kg ऑपरेटिंग वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 99 हॉर्स पावर है, 450 Nm टॉर्क है, 5.7 मीटर लेंथ है और 3 मीटर हाइट है। इंडियन कंपनी ARX के स्टॉल पे, यह है ARX S1200 डस्ट सप्रेशन सिस्टम, 130 मीटर थ्रो रेंज है, 24 नोजल्स हैं इसमें, कमिंस का इंजन है, 102 हॉर्स पावर है, 6.4 मीटर लेंथ है, 3 मीटर हाइट है इसकी। डस्ट सप्रेशन सिस्टम है ये। धूल को रोकता है। और ये है G3200 मोटर ग्रेडर, 32 टन वेट है इसका, 310 हॉर्स पावर है और 18 फीट का मोल्ड बोर्ड है, काफ़ी अट्रैक्टिव रेड कलर में। G3200 मोटर ग्रेडर, अलग डिज़ाइन है इसका। और ये है CS455 इंडीटेल रीच स्टैकर, 45 टन तक का लोड उठा सकता है ये, 17.7 मीटर बूम हाइट है, 118,000 kg ग्रॉस वेट है, वोल्वो का 6 सिलेंडर इंजन है इसमें, 355 हॉर्स पावर है और 1,771 Nm टॉर्क है। इंडीटेल रीच स्टैकर, ये कुछ इंफॉर्मेशन। और ये D3300 ब्लास्ट होल ड्रिल रिग, 11.1 मीटर हाइट है इसकी, पीछे जनरेटर है। अब हम आए इंडियन कंपनी KYB कॉनमैट के स्टॉल पे, यह है नया KYB कॉनमैट CSLM 4300 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक वे बैचिंग सिस्टम है प्रिंटर के साथ, और ये है KYB कॉनमैट CSLM 2800 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, हाई प्रोडक्टिविटी, फास्टर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, और ये कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट बैचिंग प्लांट्स हैं जिसमें ट्रक लोड हो रहे हैं। ये 30 से लेकर 60 क्यूबिक मीटर पर आर आउटपुट में अवेलेबल हैं। टाटा प्राइमा ट्रांजिट मिक्सर, ये भारत बेंज का ट्रक, और ये है नया KYB कॉनमैट CSLM 4800 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर। एक साइड की बैटरी है इसमें, और ये है CSLM 4000 कॉन्क्रीट मिक्सर, 600 लीटर बकेट कैपेसिटी है, 30 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है, 110 हॉर्स पावर है और 4.2 मीटर लेंथ है इसकी।
अब हमें जर्मन कंपनी पुट्स माइस्टर के स्टॉल पे। यह है पुट्स माइस्टर, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लास्टर मास्टर। यह है BSF मोली 1407HD कॉन्क्रीट पंप, 72 क्यूबिक मीटर पर आवर आउटपुट है, 167 हॉर्स पावर है, भारत बेंज का ट्रक है। और यह है सैनी SYG 5230THB 370C8 ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 37 मीटर हाइट है, 177 हॉर्स पावर है। और ये है SPM 500 कॉन्क्रीट स्प्रेयर, 17 मीटर हाइट है और 16,000 kg वेट है। और ये है SPJ 3017 शॉर्टक्रीट स्प्रेयर, 8.2 मीटर लेंथ है, 17.5 मीटर हाइट है, 17,600 kg वेट है इसका। सैनी का स्प्रेयर है ये। और ये है BSF 36-4 ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 35.6 मीटर हाइट है, 95 क्यूबिक मीटर पर आर आउटपुट है, फ्री फ्लो हाइड्रोलिक्स है, टाटा का सिग्ना ट्रक है। और ये है BSF 42-5 ट्रक माउंटेड कॉन्क्रीट पंप, 41.6 मीटर हाइट है, 95 क्यूबिक मीटर पर आर आउटपुट है, कुछ स्पेसिफिकेशंस। और ये बैचिंग प्लांट है जहाँ पर ट्रक लोड हो रहे हैं। आईचर का ट्रक, ट्रांजिट मिक्सर, वहाँ पे टाटा का ट्रक, भारत बेंस का ट्रांजिट मिक्सर, इंडियन कंपनी एजैक्स के स्टॉल पे, आर्गो 1000 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर। और ये A30ZX बूम पंप, 30 मीटर बूम हाइट है, 100 हॉर्स पावर है, 70 क्यूबिक मीटर पर आर कॉन्क्रीट आउटपुट है। और ये बैचिंग प्लांट में टाटा प्राइमा ट्रांजिट मिक्सर, ये आर्गो 2000 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 320 लीटर बकेट कैपेसिटी है, 60 हॉर्स पावर। ये आर्गो 4000 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 4000 लीटर वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है, 110 हॉर्स पावर है। और ये SPBP 25ZX कॉन्क्रीट पंप, 66 क्यूबिक मीटर पर आर कॉन्क्रीट आउटपुट है, थ्री वे स्टेयरिंग है इसका। और ये आर्गो 4300 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 600 लीटर बकेट कैपेसिटी है। और ये आर्गो 3500 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर। और ये आईचर का ट्रांजिट मिक्सर। और ये SPBP 15ZX कॉन्क्रीट पंप, 15 मीटर बूम रीच है। और ये सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर। और ये है A44RZX बूम पंप, 44 मीटर बूम रीच है। टाटा का सिग्ना ट्रक है। और ये आर्गो 4800 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर। और ये आर्गो 2800 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 74 हॉर्स पावर। और ये टाटा प्राइमा एजैक्स
ट्रांजिट मिक्सर, जैपनीज कंपनी मित्सुबिशी के स्टॉल पे, यहाँ पे टेक्नोवो MX20 मिनी एक्सकेवेटर है, 2 टन कैपेसिटी है इसकी, 1300 cc 3 सिलेंडर मित्सुबिशी डीजल इंजन है इसमें, 21 हॉर्स पावर, 30 लीटर फ्यूल टैंक है और 4 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। टेक्नोवो कंपनी का एक्सकेवेटर है ये, जिसमें मित्सुबिशी का इंजन है और ये इंडियन कंपनी पुजोलाना के स्टॉल पे, ये स्टार 7000 रोड पेवर, ब्लू वाइट कलर कॉम्बिनेशन और ये PRM 1000 मिलिंग मशीन। ये रोड पेवर और ये इंडियन कंपनी सेंचुरी क्रेन्स के स्टॉल पे, यहाँ पर ट्रक माउंटेड क्रेन्स हैं जिनकी 2000 केजी तक लिफ्टिंग कैपेसिटी है और ये नकल बूम क्रेन। ये इसके कंट्रोल्स हैं, इंडियन कंपनी ATS LG के स्टॉल पे, टाटा ट्रक पे बेस्ड सर्विस वैन है, इसमें एयर कंप्रेसर हैं, इसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं। इंडियन कंपनी इलेक्ट्रोमैक के स्टॉल पे, ये है येल फोर्कलिफ्ट, 3500 केजी कैपेसिटी है इसकी, इसका केबिन, 2 स्पोक स्टेयरिंग, इंडियन कंपनी पार्कर के स्टॉल पे, ये अपोलो कार्मिक्स 4TT ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग मिक्सर, 110 हॉर्स पावर है, अपोलो कंपनी का मिक्सर है ये और ये एपटेक ASP550 हाइड्रोस्टैटिक सेंसर पेवर, 14,100 केजी वेट है, अशोक लेलैंड का इंजन है, 130 हॉर्स पावर है और 3.1 मीटर विड्थ है इसकी और ये अपोलो कार्मिक्स 45FX सेल्फ लोडिंग मिक्सर, 6100 लीटर ड्रम कैपेसिटी है, इसकी प्राइस है 40 लाख रुपीस। इंडियन कंपनी ऑरेंज के स्टॉल पे, ये SMT 850 वाइब्रेटरी रोलर, 700 केजी वेट है, 10 हॉर्स पावर है, 70 हर्ट्ज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, 3 लाख रुपीस इसका प्राइस है। इंडियन कंपनी BKT टायर के स्टॉल पे, यहाँ पर 12 फीट ऊंचा 57 इंच का अर्थ मैक्स SR 468 टायर है यहाँ पर और भी कुछ यूनिक टायर हैं, जैसे ये क्रॉलर क्रेन के लिए
और ये 45 इंच का अर्थमैक्स टायर। अब हम इंडियन कंपनी बुल के स्टॉल पे, ये है बुल CH76 चैलेंजर बैकहो लोडर, किर्लोस्कर का इंजन है, 7800 kg वेट है, 49 हॉर्स पावर है, 250 Nm टॉर्क है। और ये है AV490 स्किड स्टीयर लोडर, 2600 kg ऑपरेटिंग वेट है, कुबोटा का इंजन है, 49 हॉर्स पावर है, 158 Nm टॉर्क है। और ये है HD100 फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर, 8200 kg वेट है, परकिंस का इंजन है, 100 हॉर्स पावर है, 410 Nm टॉर्क है, ZF का ट्रांसमिशन है, पावर स्टेयरिंग है इसमें। फोर व्हील ड्राइव बैकहो लोडर है ये। और ये इसका केबिन। हंड्रेड हॉर्स पावर है इसकी। और ये है HD76 बैकहो लोडर, 7800 kg वेट है, किर्लोस्कर का इंजन है, 76 हॉर्स पावर है और 300 Nm टॉर्क है। किर्लोस्कर का इंजन। और ये है मिनी बैकहो लोडर, ये छोटे स्पेस पे काम करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके कंट्रोल्स, इंडियन कंपनी VMP कॉन्क्रीट के स्टॉल पे, यह है VMP 4000 4x4 WX मिक्सर, कोयल टर्बोचार्ज इंजन है, 110 हॉर्स पावर है, 4 क्यूबिक मीटर वेट कॉन्क्रीट ड्रम कैपेसिटी है, डाना का एक्सल है, एंटी थेफ्ट सिस्टम है डीजल टैंक के लिए। बुल की मशीन है ये, टिल्टेबल स्टेयरिंग कॉलम है। VMP 4000 इंडियन कंपनी डॉस्को के स्टॉल पे, यह है यानमार VIO 30 मिनी एक्सकेवेटर, 7100 kg ऑपरेटिंग वेट है, 3 सिलेंडर इंजन है, 27 हॉर्स पावर है, 41 लीटर फ्यूल टैंक है और 0.10 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है। यानमार का मिनी एक्सकेवेटर है ये। अब हमें इंडियन कंपनी वीनस के स्टॉल पे, ये है वीनस अल्ट्रा 4.0 4x4 सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 8300 kg वेट है, 5500 क्यूबिक मीटर ड्रम यूनिट है, कोयल का इंजन है, 110 हॉर्स पावर है, 4 क्यूबिक मीटर ड्रम आउटपुट है, इसमें क्रैब स्टीयरिंग है। फोर बाय फोर मशीन है ये। और ये अल्ट्रा 2.0 फोर व्हील ड्राइव सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर, 5500 kg वेट है, 49 हॉर्स पावर है इसकी,
अल्ट्रा 2.0 सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर है ये। और ये है अल्ट्रा 3.0 फोर व्हील ड्राइव सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर। 7000 केजी वेट है, कोयल का इंजन है, 74 हॉर्स पावर, 25 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। वीनस कंपनी का अल्ट्रा 3.0। अब हम हैं इंडियन कंपनी जेके टायर के स्टॉल पे। यहाँ पर कुछ ऑफ रोडिंग टायर्स हैं, हार्ड रॉक चैम्पियन टायर्स, VEM63 टायर, ये बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन्स के लिए यूज़ होते हैं। ये इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के टायर्स, ये रोलर का टायर, यहाँ पर भी कुछ टायर्स हैं। अब हमें इंडियन कंपनी MRF टायर के स्टॉल पे। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के टायर्स हैं, ये फोर्कलिफ्ट के टायर, रोलर के टायर्स, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में यूज़ होने वाले टायर्स। ये बैकहॉल लोडर के टायर्स, ये बहुत बड़ा 49 इंच का टायर। अब हमें इंडियन कंपनी रेपोस के स्टॉल पे। आईजेट ट्रक पे बेस्ड डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी है इसमें। ये नोजल, प्रॉपर मशीन है, यहाँ से आप नाप के फ्यूल डाल सकते हैं व्हीकल्स में। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज़ होता है। पीछे लीवर बॉक्स है। अब हम इंडियन कंपनी जेमिनी पावर हाइड्रोलिक्स के स्टॉल पे। ये टाटा एस गोल्ड पे बेस्ड डीजल फ्यूल बाउजर हिपो टैंक। ये भी आप फ्यूल डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। छोटा हाथी मिनी ट्रक, अब हमें इंडियन कंपनी सनबीम के स्टॉल पे। या अशोक लेलैंड पे बेस्ड मॉडल 75 फुली बिल्ट RMC कंक्रीट मिक्सर। 7.5 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है, 400 लीटर पर मिनट वाटर पंप आउटलेट है, 70 हॉर्स पावर है, 2.6 मीटर हाइट है इसकी। फुली बिल्ट RMC ट्रक है ये, जिसे सनबीम कंपनी ने बनाया। फोर हंड्रेड लीटर पर मिनट वाटर पंप आउटलेट है। अब हमें अमेरिकन कंपनी टेरेक्स के स्टॉल पे। ये फ्राना क्रेन, ये 15 टन से लेकर 80 टन कैपेसिटी तक अवेलेबल है। टेरेक्स का ही ब्रांड है फ्राना। इसके कंट्रोल्स,
ऊपर फैन दिए गए हैं 4x4 है ये। अमेरिकन कंपनी है टेरेक्स। और ये है फिनलेक्स 883 प्लस मोबाइल स्कैल्पिंग स्क्रीनर 4.8 मीटर बाय 1.5 मीटर टॉप और बॉटम डेक है इसका। 600 टन्स पर आर प्रोसेसिंग रेट है। फिनलेक्स मोबाइल स्कैल्पिंग स्क्रीनर और ये हैं पावर स्क्रीन हाइब्रिड मोबाइल क्रशर्स। ये एग्रीगेट्स माइनिंग और रिसाइकल में यूज़ होते हैं। काफ़ी बड़े हैवी मोबाइल क्रशर्स हैं ये। ये भी पावर स्क्रीन का हाइब्रिड मोबाइल क्रशर है। काफ़ी बड़ी ह्यूज मशीन है ये। शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। अब हम हैं इंडियन कंपनी सिवी मैक के स्टॉल पे। यहाँ पर मोबाइल कॉन्क्रीट मिक्सर हैं। इनमें 4 सिलेंडर का किर्लोस्कर इंजन है। 60 हॉर्स पावर है। MCM मॉडल्स हैं ये। तो कैसा लगा आपको एक्सकॉन कंस्ट्रक्शन इवेंट, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।